नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है दुनिया में कितने प्रकार के क्लासिकल म्यूजिक है? अगर ढूंढेंगे तो मात्र दो नाम आपको मिलेंगे, एक है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा है वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। मतलब पूरी दुनिया का क्लासिकल म्यूजिक एक तरफ और भारत का अकेले का क्लासिकल म्यूजिक एक तरफ। भारतीय होने पर यह कितनी गर्व की बात है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिनके नाम पे खुद का शास्त्रीय संगीत है, और वो भी एक नहीं दो दो प्रकार के, एक है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और एक है साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है, जो इतनी लोकप्रिय है और जो इतने ज़्यादा प्रैक्टिस में है, उनकी बहुत सारी वजह है। हमारे पास बहुत सारे राग है, बहुत सारे ताल है, बहुत सारी विविध टेक्निक्स है, और ऐसी कई सारी प्रणाली है, ऐसी कई सारी परंपरा है जिसको हम घराना के नाम से जानते हैं, कि जो एक ही चीज़ को बहुत अलग तरीके से पेश करती है। इन सभी का वर्णन करना तो शक्य नहीं है, लेकिन उनमें से हम आज कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि जो भारतीय संगीत को इतना इम्प्रूवाइज्ड करने में, इतना पॉपुलर करने में सबसे आगे है। जब कभी बात आती है म्यूजिक में इम्प्रूवाइजेशन की, तब तक बात आती है म्यूजिक में ऑर्नामेंटेशन की। ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स ही है जो सामान्य से सामान्य फ्रेज को भी अलग अलग तरीके से पेश करने की हमको टेक्निक सिखाता है। ह्यूट रूट्स के चौथे एपिसोड में हमने देखा था कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स है कि जो हम जनरली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में और सेमी क्लासिकल में यूज़ करता है, जिनमें कर्ण, खटका, मुरकी, जमजमा इत्यादि का हमने वर्णन किया था। आज हम जिस टेक्निक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह टेक्निक्स सिर्फ लिमिटेड नोट्स पर लागू ना होते हुए वह पूरा बजाने का तरीका है। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो अपनी एक महत्वता रखता है पूरी दुनिया में, उनमें इस दो टेक्निक्स का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्हें हम मींड और गमक के नाम से जानते हैं। मींड और गमक भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों पहलू, जिसको हम गायकी अंग और तंत्रकारी अंग कहते हैं, दोनों में बहुत ही प्रचलन में है और अपने अलग अलग तरीके से प्रचलन में है। गायकी अंग में अलग तरीके से मींड और गमक होता है, और तंत्रकारी जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल्स कहते हैं, उनमें भी इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट भी ये टेक्निक्स थोड़ी थोड़ी वेरी करती है। आज हम बांसुरी में इनका प्रयोग कैसे होता है, कैसे इसकी प्रैक्टिस होती है और कैसे इसको मास्टर किया जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें समय लेती है, ये चीज़ें मेहनत लेती है, लेकिन जितना भी समय और मेहनत ये मांगती है उनको हमें देना चाहिए, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत में मींड और गमक का महत्व इतना है जैसे इंसान के जीवन में एक जीवन साथी का। नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय सिंह चौहान। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आसान भाषा वाले इस वीडियो सेगमेंट के पांचवे एपिसोड में, जिनको हम जानते हैं फ्लूट रूट्स के नाम से। स्लाइड्स, जिन्हें दो नाम दिए गए हैं, एक है मींड और गमक। इन दोनों में मूलभूत तफावत है स्पीड का। अगर स्लाइड स्लो है, धीमे है, तो हम उसे मींड कहते हैं। अगर स्लाइड फास्ट है तो हम उसे गमक कहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे बजाने के तरीके में भी इनके फर्क आ जाते हैं जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम बात करेंगे मींड के बारे में। उनसे पहले मैं याद दिला दूं संगीत के विद्यार्थियों को और अभ्यर्थियों को कि हम जब भी बात करते हैं म्यूजिक ऑर्नामेंटेशन की, उनमें दो शब्द होते हैं, एक है मेन नोट, एक है सपोर्टिंग नोट। मेन स्वर वो होता है जिनके ऊपर ऑर्नामेंटेशन किया जा रहा है, और सपोर्टिंग नोट्स वो होते हैं जो उन ऑर्नामेंटेशन में भाग लेते हैं। यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं मींड की, तो जिस स्वर की हमको मींड बजानी है उन्हें हम मेन स्वर के नाम से, और जिस स्वर के उपयोग से हम उस पर आएंगे उनकी मींड बजाने के लिए, उनको हम सपोर्टिंग नोट के नाम से जानेंगे। आगे बात ले जाते हुए, मींड और गमक कहाँ पे पॉसिबल है या किस तरीके से आप उसका यूज करेंगे, उन पर हम चर्चा करते हैं। उनके लिए सबसे अहम चीज है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक स्वर से दूसरे स्वर के ऊपर जाने की, जिसे हम एक तरीके से बैंड की तरह देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमें सा के ऊपर मींड का प्रयोग करना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे वाद्य में, हमारी बांसुरी में कौन कौन से स्वर है जिनके सपोर्ट से या जिनका यूज करते हुए आप सा पे कंटिन्यूसली जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सा बजाऊं और उनसे नीचे के ऑक्टेव में, जैसे नी, धा और प में, हम देखेंगे कि कौन कौन से स्वर कंटिन्यूसली बिना रुके या बिना अटके
साफ को अप्रोच कर पाते हैं, तो उनमें सबसे पहले नी है, ध है, प है। नीचे का मध्यम हमारे बांसुरी में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उनसे हम कंटिन्यूअसली जाने की ट्राई नहीं करते हैं। रे से अगर अब देखा जाए तो सा के ऊपर के स्वरों से रे से, ग से, म से भी संभव है कि हम सा पे कंटिन्यूअसली आ सकते, बिना आवाज को ब्रेक किए आ सकते। लेकिन वही चीज प मध्य सप्तक का और उनसे ऊपर के स्वरों से सा पे आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो आवाज कट जाती है। हमारा इंस्ट्रूमेंट ही कुछ इस हिसाब से है जिसमें आप देख सकते हैं कि प और सा के बीच में साउंड की कंटिन्यूटी नहीं है। वही ध और सा के बीच में भी मुमकिन नहीं है। इस कंटिन्यूटी को मुमकिन करने के लिए कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पे एक थंब होल दिया जाता है। लेकिन हम सामान्य बांसुरी की अगर बात करें तो वहाँ पे सरज से जुड़ने के लिए मैक्सिमम मध्यम तक और लोअर में मैक्सिमम हम पंचम तक जुड़ सकते हैं। मैं कंटिन्यूटी की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी ही है जिसको हम स्लाइड कहते हैं। किसी भी स्वर से किसी दूसरे स्वर पे कंटिन्यू जाना, यही है स्लाइड, यही है मींड और यही है गमन। हमको ये देखना है कि मींड हम सा की अगर बजाए तो कौन कौन से स्वर से पॉसिबल है। जैसा अभी हमने देखा कि नी से हम सा की मींड बजा सकते हैं, ध से बजा सकते हैं, लोअर के प से बजा सकते हैं, मिडल के रे, मिडल के ग और मिडल के म तक हम सा की मींड बजा सकते हैं बांसुरी में। बाकी इंस्ट्रूमेंट में उन इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अलग अलग संभावनाएं हो सकती है, हम यहाँ पे सिर्फ बांसुरी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप रे को बजाना चाहें तो ऐसे कौन कौन से स्वर है कि जो कंटिन्यूसली रे के ऊपर आ सकते हैं, तो उनमें हमको ग मिलता है, हम ग से रे जा सकते हैं, हम म से भी रे जा सकते हैं। रे से नीचे के स्वरों में सा, मंद्र सप्तक नी, मंद्र सप्तक ध, मंद्र सप्तक के प से भी हम रे पे जा सकते हैं। तो ये सभी जो है रे के मींड हुए। इस तरीके से आपको ग में भी बहुत सारे मींड मिल जाएंगे। मध्यम में क्योंकि उनके ऊपर का स्वर पंचम है और पंचम से हम नीचे के स्वरों को बांसुरी की लिमिटेशन की वजह से जोड़ नहीं पाते हैं, तो मध्यम में किसी ऊपर के स्वर से मींड आना मुमकिन नहीं है। लेकिन उनके नीचे के सभी स्वर गांधार, ऋषभ, षड्ज, मंद्र सप्तक का निषाद, मंद्र सप्तक धैवत, मंद्र सप्तक पंचम तक सभी से हम मींड को कुछ इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी स्वर के बहुत सारे मींड के ऑप्शंस ढूंढ पाते हैं। अभी यहाँ पे प्रश्न ये है कि हम कौन से स्वर की मींड कहाँ से लें। अगर हम अलंकार बजा रहे हैं, अगर हम राग बजा रहे हैं, अगर हम कोई एक फिक्स चीज बजा रहे हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से हम कौन से स्वरूप से उस स्वर का सपोर्टिंग नोट एज अ मींड हम लें। तो यहाँ पे अनुभव के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आप जिस स्वर की मींड बजाना चाहते हैं उनके जस्ट ऊपर वाले स्वर से आप उनकी मींड को लीजिए जब आप सीक्वेंस में जा रहे हैं। मतलब कि अगर हम सा की बात करें तो हमने देखा था कि बहुत सारे ऑप्शन है उनके सा के ऊपर के स्वरों से भी, सा के नीचे के स्वरों से भी, जिससे कि सा की मींड बच सकती है। लेकिन हम जब सीक्वेंस में जा रहे हैं, जैसे अलंकार बजा रहे हैं या लाइन से कोई चीज़ों को बजाना है, तब हम ये कोशिश करते हैं कि उनके जस्ट ऊपर का जो अवेलेबल स्वर है, हमारे केस में रे, वहाँ से ही उसकी स्लाइड, वहाँ से ही उनकी मींड ली जाए कुछ इस तरीके से। वही चीज रे के केस में ग से हो जाती है। मतलब ऋषभ से सड़ज जाना वो सा का मींड है, गांधार से ऋषभ जाना वो ऋषभ का मींड है। उसी तरीके से मध्यम से गांधार जाना वो गांधार का मींड हो सकता है। लेकिन क्योंकि मध्यम के ऊपर कोई स्वर अवेलेबल नहीं है, तो मध्यम में जो नियरेस्ट नोट जो कि अवेलेबल है वो है गांधार, तो हम मध्यम की मींड को ग से लेके चलते हैं कुछ इस तरीके से। मींड के प्रयोग में यह बात हमेशा याद रखिए कि जिस स्वर की मींड आप बजाना चाहते हो, जो आपका मेन स्वर है, वो दूसरा होता है, मतलब दूसरे नंबर में वो आता है। पहला स्वर आपका सपोर्टिंग नोट आता है,
मतलब अगर मुझे सा की मीट बजानी है तो मेरी शुरुआत रे के बजा के सा पे जाने से होगी। वैसे अगर मुझे रे की मीट बजानी है तो ग बजा के रे जाने पे मेरी रे की मीट होगी। जिस भी स्वर का मीट है वो बारी में दूसरा होगा, पहला स्वर आपका सपोर्टिंग नोट होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को ग और म की मीट में होता है, क्योंकि ये दोनों स्वर एक दूसरे के उपयोग से बनते हैं, एक दूसरे से उपयोग से इनकी मीट बनती है। जैसे हमने पहले कहा कि जब तक आपके पास आपके स्वर से ऊपर का स्वर अवेलेबल है, गांधार के विषय में वो होता है मध्यम, तब आप उसी से आप अपने मेन स्वर पे आएंगे। मतलब गांधार की जो मीट है, ग की जो मीट है, वो कुछ इस तरीके से बजेगी। म से ग पे आके ग पे रुकना, ये गांधार की मीट है। वहीं पे म की हम जब मीट बजाने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर का पंचम जब अवेलेबल नहीं है तब हम उसको गांधार से ही बजाते हैं। लेकिन यहाँ पे गांधार पहले बजेगा, ग पहले बजेगा, एन हम म पे जाके रुकेंगे, कुछ इस तरीके से। जहां गांधार की मीट कुछ इस तरीके से थी, मध्यम की मीट कुछ इस तरीके से हो सकती है। दोनों में बेसिक फर्क क्या है? गांधार की मीट में गांधार जो है वो दूसरा स्वर होता है, मध्यम से आके हम गांधार पे रुकते हैं, और मध्यम की मीट में मध्यम जो है वो दूसरा स्वर होता है, गांधार से आके हम मध्यम पे रुकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप बस ये देखिए कि आप किस स्वर के ऊपर रुक रहे हैं, जिस पे रुक रहे हैं वो स्वर की आप मीट बजा रहे हैं। हमारी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, पंचम की बात करते हैं। पंचम के ऊपर धैवत क्योंकि अवेलेबल है तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, हम धैवत से पंचम जाएंगे जो कि पंचम की मीट होगी, कुछ इस तरीके से। धैवत के लिए ऊपर का निषाद अवेलेबल है तो निषाद से धैवत जाना, धैवत की मीट हो जाएगी। और निषाद के लिए सा से नी जाना, वो उनकी मीट हो जाएगी वैसे ही। और अगर आगे जाए सप्तक को क्रॉस करके हायर ऑक्टेव में, तो हायर ऑक्टेव के सा के लिए हायर ऑक्टेव का रे अवेलेबल है। और तार सप्तक के प में हम शुरुआत में मीन का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर का स्वर अवेलेबल नहीं है और नीचे जो मध्यम है वहां से हम कंटिन्यूसली वहां जा नहीं पाते, तो अभी के लिए उनको एज इट इज ही बजाना ठीक रहेगा, कुछ इस तरीके से। तो फिर से पूरा एक ब्यौरा कर लेते हैं, मीन ऊपर के स्वर से ही आती है ये जरूरी नहीं है, जहाँ से भी आप अपने टारगेटेड नोट पे, मेन नोट पे कंटिन्यूसली जा सके उन सभी स्वरों से आपके मेन नोट की मीट बज सकती है। लेकिन व्यवहार में हम ये कोशिश करते हैं कि जिस स्वर की हमको मीट बजानी है उनके ऊपर के स्वर से ही हम उस स्वर पे आए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मीट में जिस स्वर की मीट बजनी है वो हमेशा दूसरा स्वर होता है, वो रेस्टिंग नोट होता है, हम उसके ऊपर आके रेस्ट करते हैं, वहाँ से शुरू नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि यही फर्क है मींड और गमक में। मींड हम जब बजाते हैं तो जिस स्वर की मींड है उसके ऊपर आया जाता है, हम उस स्वर के ऊपर लैंड करते हैं, उससे लिफ्ट नहीं करना होता। तो सा की मींड में आप रे से सा के ऊपर आएंगे, रे की मींड के लिए आप ग से रे के ऊपर आएंगे, ग की मींड के लिए आप म से ग के ऊपर आएंगे। मध्यम ही इसमें अपवाद है क्योंकि उसके ऊपर का पंचम कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है, तो इनके लिए हम मध्यम में ही सिर्फ ग से म के तरफ हम जाते हैं क्योंकि वही है उसकी नियरेस्ट सपोर्टिंग नोट है। तो फिर से हम सारे गम पद निशा की मीट बजा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक और चीज़ मैं संगीत के विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि आप जब मीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि उसमें दो स्वर छुपे हुए हैं, एक आपका सपोर्टिंग नोट, दूसरा आपका मेन नोट, लेकिन उनकी प्रैक्टिस के दरमियान आपको सिर्फ आपके मेन नोट के नाम से ही उनको पहचानना है। जैसे कि आप जब ये बजा रहे हैं तो उनको रे सा न सोचते हुए सा
इसी तरीके से उसको संबंधित करिए जिनसे कि उनके दोनों के बीच का जो जुड़ाव है वो बना रहे। अगर हम उनको दो अलग नामों में जोड़ेंगे, अलग नामों में सोचेंगे, तो हमारा बजाना भी कुछ अलग हो जाएगा, जिनसे कि उसकी कंटिन्यूटी पे उसका असर पड़ता है। तो हमको चाहिए कि हम जब मीन या गमक बजा रहे हैं, इवन कोई भी ऑर्नामेंटेशन आप जब बजा रहे हैं, तब आप उसको अपने मेन स्वर से ही नाम दीजिए। बाकी साथ में प्रयोग होने वाले स्वरों का यूज़ करिए, लेकिन उनका नाम ना दिमाग में प्रोनाउंस करिए ना बोलने। तो हम जब मीन बजाएंगे तो सा रे ग म प ध नी सा, इसी तरीके से हमको दिमाग में सोचना है, ताकि जब हम वो चीज़ बजाए तो वो भी उतनी ही सुंदरता के साथ, उतनी ही कंटिन्यूटी के साथ बजे। ये हो गया उनकी बेसिक्स की बात। अभी बात करते हैं इनकी प्रैक्टिस की, किस तरीके से इनको प्रैक्टिस किया जाए कि जिनसे कि ये सब चीज़ें जो है हमारी उंगलियों में, हमारे विचारों में, हमारे फ्रेजिस में इस कदर उतर जाए कि किसी भी फ्रेज को बजाने से पहले आपको ये सोचना ही ना पड़े कि इनको आपको मीन में बजाना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट मीन में ही बजेगा या बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड में ही बजेगा। उनके लिए सबसे प्रारंभिक प्रैक्टिस होती है अलंकारों की प्रैक्टिस। अलंकार से मेरा यहाँ मतलब ऑर्नामेंटेशन नहीं है, स्केल है, जो हम अक्सर देखते हैं जिनमें हम सरगम के अलग अलग प्रकार, जैसे सा सा रे रे ग ग म म, या सा रे ग रे ग म ग म प म प द, सा रे ग म रे ग म प ग म प द, ऐसी अलग सीक्वेंस, अलग सीरीज बना के हम जब उनकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रारंभ में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कमांड लाने के लिए, ऑक्टेव के ऊपर कमांड लाने के लिए। वो प्रैक्टिस जब आपकी ख़त्म हो जाए, उनमें जब आपका कमांड आ जाए, तब आपकी मीन और गमक की प्रैक्टिस आपको शुरू करनी चाहिए। तो मीन गमक बजाने के लिए आपको कंटेंट चाहिए जिसके ऊपर आप मीन और गमक बजाएंगे। तो मेरे ख्याल से प्रारंभ में अलंकार सबसे बेस्ट कंटेंट है, क्योंकि उसमें आपको कुछ क्रिएट नहीं करना होता है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको बस उसके ऊपर मीन और गमक की टेक्निक्स को लागू करना होता है। तो आप अलंकार जो भी बेसिक्स आपके पास है, जिसको आप प्रैक्टिस करते आए हैं, उन्हीं में आप मीन की प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे, जिस तरीके से हमने आपको बताया। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, आपको बस इतना सोचना है कि उनका ऊपर का स्वर से आपको उनके मेन स्वर पे आना है, सिवाय के मध्यम में, क्योंकि वो गांधार से मध्यम जाता है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, सारे ग रे ग म ग म प सबसे प्रचलित अलंकारों में से है, हर कोई उनको जानता है, उनको हम बजाते हैं। तो अगर वो हम बजाएंगे मीन में तो किस तरीके से बजेगा? देखा आपने, हमने जो इंडिविजुअल स्वरों की मीन कंपोज की थी, जिस तरीके से उनको समझा था, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। जब आप कोई फ्रेज बजा रहे हैं, उनमें जो स्वर यूज़ हुआ है उनकी मीन कैसे आती है जो हम पहले देखे थे, उसी तरीके से आप उनका उपयोग करते हुए कोई भी अलंकारों को ऐसे बजा सकते हैं। डिसेंडिंग में भी कोई फर्क नहीं है, उसी तरीके से आपका डिसेंडिंग बजेगा। बस हर एक स्वर की इंडिविजुअल मीन कहाँ से आती है उनको याद रखना है, और जो जो स्वर हमारे सीक्वेंस में आते जा रहे हैं उन पे वो प्रयोग करते जाना। मीन बहुत ही स्लो जाती है। हमने जैसे पहले ही कहा कि जो मूलभूत तफावत है मीन और गमक में, वो यही है कि अगर हम स्लो बजाएं तो वो मीन है, फास्ट बजाएं तो वो गमक है। तो इसलिए आप जब भी मीन की प्रैक्टिस करें, बहुत ही स्लो जाइए, आप अपने साउंड को मेजर करिए। ये ऐसी टेक्निक्स में से है जिनमें टेक्निकल से ज़्यादा साउंड मैटर करता है, हमको कान से ज़्यादा काम लेना है। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी होती है कि हम जब मीन और गमक प्रैक्टिस करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम जिस स्वर की मीन या गमक बजा रहे हैं वो ना होते हुए उनके सपोर्टिंग नोट की मीन या गमक हमको सुनाई दे रही है। ये इसलिए होता है कि कॉन्सेप्ट तो सही है लेकिन आप अपने साउंड पर ध्यान नहीं दे रहे।
आप अपने साउंड पे ध्यान दीजिए कि आप जो कर्व बनाने जा रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। आप अगर सा की मीन बजा रहे हैं देन आप रे से सा जाने चाहिए, ना कि सा से रे, वैसे ही ग से रे जाना चाहिए। और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर से ही उसकी मीन आती है। राग हम जब बजाते हैं या जब हम अलग गाना बजाते हैं तब हमको ये देखना होता है कि कौन सा फ्रेज है जो आपको चाहिए या आपको किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। अगर आप कोई ऐसा राग बजा रहे हैं जहाँ पे आपका ऊपर का स्वर अवेलेबल ही नहीं है, मान लीजिए मैं एक ऐसा राग बजा रहा हूँ जहाँ पे सा है लेकिन रे नहीं है, तब वहाँ पे उनकी मीन तो रे से आएगी नहीं क्योंकि रे का प्रयोग ही राग में अलाउड नहीं है। देन इन दैट केस आप ग से ट्राई करेंगे, नहीं तो म से करेंगे, या कहाँ से आप उसको कंटिन्यूसली बजा पाएंगे ये आप करेंगे। तो ये एक फिक्स विषय नहीं है, इट्स अ ओपन सब्जेक्ट जिसको हम बड़े ही व्यापकता से हमको देखना चाहिए। लेकिन मोटा माटी अगर बाइफर्गेट करना चाहे, अगर हम सिक्वेंशियल कोई चीज़ों को बजाना चाहे, तब हम ये कोशिश करते हैं कि मीन को हमेशा ऊपर के स्वर से प्रयोग किया जाए। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन था हमारे मीन के बारे में। प्रैक्टिस में जैसे मैंने आपको कहा कि आप अलंकार के माध्यम से इसकी प्रैक्टिस करिए, उनमें भी और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे कि हम सारे गा वाला अलंकार देख रहे थे, एक स्वर को आप चार बार रिपीट करिए। मीन एंड गमक का उपयोग क्लासिकल म्यूजिक में स्वरों को रिपीट करने के लिए भी होता है। अगर हम देखें कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे कि आप एक ही स्वर को बार बार बजाएंगे, जैसे कि अगर मुझे सा 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 अगर बजाना है तो ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहला एक है कि मैं कर्ण से सा को डिवाइड करूंगा, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम ब्लो से ही सा को डिवाइड करेंगे, और तीसरी टेक्निक है कि हम सा को स्लाइड से डिवाइड करेंगे। तो ये सबसे सादगी भरी है, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड है, और इन्हीं का प्रयोग हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सबसे ज्यादा करते हैं। कर्ण लेना या ब्लो को बंद करके उसको डिवाइड करना, वो थोड़ा उसको फोक में या थोड़ा लाइटर वर्जन में ले जाता है, जबकि मीन से एक ही स्वर का रिपीटेशन करना वो इसको क्लासिकल टच देता है। कहने का मतलब यह है कि आप जब मीन की प्रैक्टिस करें तो एक ही अलंकार में जो यूज हो रहे हैं स्वर, उस स्वर को तीन बार, चार बार, दो बार बजा के उसको अलंकार को आगे ले जाए। इस प्रकार से हम एक ही फ्रेज में प्रयोग होने वाले स्वर को चार बार मीन से बजा के प्रोग्रेशन में ले जाएंगे। जैसे अभी मैंने जो बजाया वो सिर्फ सा रे ग रे ग म ग म प में मीन हुआ, जिसके हर एक स्वर को हमने चार बार बजाया। इसी प्रकार आपके पास जो भी अलंकार है, सा रे ग म सारे सारे ग सारे ग सारे ग म सारे ग म प म ग रे, जो भी अलंकार है उनको आप सा से लेके हायर सा की रेंज में या तो लोअर प से लेके हायर प, जो कि हमारी बांसुरी की एंटायर रेंज है, उनमें हर एक स्वर की मीड चार बार बजा के, देन तीन बार बजा के, देन दो बार बजा के, एंड फाइनली एक स्वर की मीड एक बार बजा के आप उसका आरोह एंड अवरोह को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना है कि जो मीड की स्पीड है वो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में जब स्लाइड बजती है वो गमक कहलाती है, और उनके लिए थोड़ी सी अलग टेक्निक्स है जिनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो में हम सिर्फ मीन की बात कर रहे हैं, और इसलिए आपको जब भी मीन प्रैक्टिस करें, इवन मेट्रोनोम के साथ भी अगर आप मीन को प्रैक्टिस करना चाहे, तो मैक्सिमम आपका जो टेम्पो है वो 70 से 80 बीपीएम होना चाहिए, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से मीन को, हर एक स्वर को बड़ी ही घूंट से, बड़े ही प्रैक्टिस से, बड़े ही संयम से आप उनको अभ्यास करिए, तो डेफिनेटली आपका जो कमांड है ओवर द स्लाइड्स वो बेहतर होगा, और उनसे कहीं ना कहीं आगे जाके आप जो भी चीज़ बजाएंगे उनमें वो जो टर्न है, वो जो बैंड है, वो धीरे धीरे आने लगेगा। और यही है हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का
पहचान। मीन का ये बेसिक वर्जन खत्म होने के बाद उसका एक एडवांस टेक्निक है जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, जिनको हम रूल ऑफ ट्रांजिशन के नाम से एड्रेस करेंगे। जैसा हमने पहले देखा था कि यह जरूरी नहीं है कि मीन हमेशा ऊपर के स्वर से ही आती है। हम जिस भी स्वर से कंटिन्यूअसली हमारे मेन स्वर तक अप्रोच कर पाए या उनको बजा पाए, वो सभी स्वर से मीन उस स्वर की पॉसिबल है। रूल ऑफ ट्रांजिशन एक ऐसी चीज है कि जो होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो हो तो थोड़ी कड़ी और एक मजबूत हो जाती है, एक दो फ्रेज के बीच में एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट आ जाता है। उसके हिसाब से क्या होता है, अगर हम कोई एक स्वर की मीन कंप्लीट करने के बाद उन स्वर से नीचे के कोई एक स्वर की मीन बजाने जा रहे हैं, तब ये जो है रूल ऑफ ट्रांजिशन हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का कनेक्शन लागू होता है, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे मैं 1 2 3 4 अलंकार बजा रहा हूँ, जिसके वजह से पहला फ्रेज प से अगर हम बजाए तो प ध नी सा होने के बाद ध नी सा रे होता है। प ध नी सा का सा जहाँ पे कंप्लीट होता है उनके बाद लोअर का ध बजाने के लिए हम सा से नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ध की मीन जो कि हम रेगुलरली नी से लेते हैं, ये नी से न लेते हुए हम जिस स्वर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे हम सा से नीचे आ रहे हैं ध के ऊपर, और सा की मीन जहाँ से बजी थी जो कि ऋषभ है, ऋषभ से ही हम धैवत की मीन लेते हैं। यही है रूल ऑफ ट्रांजिशन। इसमें मैं फिर से एक बार बताता हूँ, हम जब एक स्वर की मीन बजा के उनसे नीचे किसी स्वर की मीन बजाने जा रहे हैं, तो नीचे बजने वाला स्वर की मीन हमने लास्ट जो स्वर बजाया था उनकी मीन जहाँ से ली थी, यहाँ पे हमारे केस में हम सा से ध जा रहे हैं, तो सा की मीन हमने ऋषभ से ली थी, तो उसी ऋषभ से हम धैवत की मीन लेके उस फ्रेज को नीचे वाले फ्रेज से कनेक्ट करते हैं। उनके बाद जब धनी सारे में नी सा रे को बजाना है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है, वहाँ पे हमको रूल ऑफ ट्रांजिशन लागू करना नहीं होता है, उसमें हम नॉर्मल मीन ही बजाते हैं। रूल ऑफ ट्रांजिशन सिर्फ वहाँ पे लागू होता है जब हम एक निश्चित स्वर से नीचे के स्वर की तरफ मीन लेके जा रहे हैं। यहाँ पे प ध नी सा के बाद जब धनी सारे बजेगा तो सा की मीन जो कि ऋषभ से आती है उसी ऋषभ से हम धैवत की भी मीन बजाएंगे। उनके बाद धनी सारे कंप्लीट होने के बाद जब नी सारे का बजेगा तो धनी सारे में आखिरी स्वर ऋषभ है जिसकी मीन गांधार से आती है, उसी गांधार से हम निषाद की मीन लेके जाएंगे, ना कि सड़स से निषाद की मीन लेंगे। तो कुछ कुछ अलंकार जो है हमारा इस तरीके से सुनाई देगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी फ्रेज का पहला स्वर है वो उनके प्रीवियस फ्रेज के आखिरी स्वर की मीन जहाँ से आई थी उसी जगह से मीन लेके वो बज रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा, इसको करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इनको कर पाए या इनको आप समझ पाए तो उनसे आपकी मीन में एक और डेप्थ आ जाती है, एक और इम्प्रूवमेंट जुड़ जाता है। हम जब पंचम को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम गमा पदा बजाएंगे तो उनमें धैवत की मीन निषाद से आती है और उनके बाद बजने वाला फ्रेज म प धनी होता है, तो निषाद से मध्यम का जो ट्रांजिशन जो है मीन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे संजोगों में हम मध्यम की मीन नॉर्मली जहाँ से लेते हैं गांधार से वहीं से लेंगे। तो जहाँ पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको निग्लेक्ट करके नॉर्मल हम जैसे ऊपर से स्वर की मीन लेके आते हैं उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ ब्योरा है मीन का, जैसे इनको हम समझते हैं, जैसे हम इनको फ्लूट में बजाते हैं, और मीन की प्रैक्टिस करने के बाद ही हमको गमक की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मीन में जो ठहराव है, मीन में जो पकड़ है, आप उस स्वर को समझेंगे, उनके साउंड को समझेंगे, वो बहुत ही आवश्यक है गमक बजाने से पहले। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि मीन और गमक स्लाइड के ही दोनों प्रकार है, मीन स्लो वर्जन है, गमक फास्ट वर्जन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीन को हम जैसे बजाते हैं वैसे ही अगर फास्ट बजाएंगे तो गमक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। गमक के लिए कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है जिनको हम आने वाले नए एपिसोड में बताएंगे। आप तब तक मीन की ये प्रैक्टिस जो हमने बताई है, एक नॉर्मल मीन कैसे लेते हैं,
किस तरीके से आप अलंकार के हर एक स्वर को 3 बार, 4 बार, 2 बार मींड बजा के उसको आरोह और अवरोह में प्रैक्टिस करेंगे, और उनके बाद रूल ऑफ ट्रांजिशन से आप कैसे ऊपर की पोजिशंस के स्वरों को नीचे के पोजिशन के साथ जोड़ेंगे। इतनी प्रैक्टिस अच्छे से करने के बाद आप गमक के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यही वह कुछ टेक्निक्स है जिनके द्वारा हम सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली टेक्निक्स मींड को बजा सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। संगीत के विद्यार्थियों को और अभ्यर्थियों से मेरी ये खास विनती है कि उनको प्रयोग करते वक्त, उनको प्रैक्टिस करते वक्त टेक्निक्स का तो ऑफकोर्स ध्यान रखें, लेकिन साथ साथ में उनके साउंड का ध्यान रखें, क्योंकि म्यूजिक ऑर्नामेंटेशन साउंड से रिलेटेड चीज़ है। तो टेक्निक्स हम शब्दों में बोलते हैं ताकि उनको हम समझा पाए, लेकिन ये टेक्निकल से ज़्यादा म्यूजिकल सब्जेक्ट है, तो इनको डील करते वक्त हमें हमेशा साउंड पे ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा कान से काम लेना चाहिए। और इनके साथ साथ मींड के बाद हम गमक का भी वीडियो बना रहे हैं, और तब तक आप मींड को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा सा संयम की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी, और जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप पाएंगे कि सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक में नहीं, जितने भी प्रकार के म्यूज़िक हम सुनते आए हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, चाहे वो भजन हो, चाहे लाइट म्यूज़िक हो या फोक म्यूज़िक हो, उन सब में इसका भरपूर यूज़ होता है। तो आप जब इनकी प्रैक्टिस करें तो इनको सिर्फ अलंकार तक लिमिटेड ना रखते हुए हर वो चीज़ जो आप सपाट अब तक बजाते आए थे उनको आप मींड से बजाने की कोशिश करिए, और वो गाना जो आप अभी तक बजाते आ रहे थे उनमें देखिए कि आप कैसे मींड का प्रयोजन करेंगे। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच से मींड को सीखेंगे तो निश्चय ही आप अपने वादन में, आप अपनी बजाने की शैली में मींड का एक अलग ही करिश्मा देखेंगे, जिनसे कि आपको और आपके सुनने वाले श्रोताओं को भी आपका वादन काफ़ी इंटीग्रेटेड और काफ़ी भरा हुआ लगेगा। तो आप अपनी ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते रहिए, और ये हमारी सेवा थी आपके लिए जो कि हमारा फ्लूट रूट्स एपिसोड के माध्यम से हम करते रहते हैं। ऐसा ही ज्ञान लेने के लिए, ऐसा ही मार्गदर्शन पाने के लिए आप हमसे, हमारे इस अभियान से जुड़े रहिए जिनका नाम है फ्लूट रूट्स। नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत और खास करके बांसुरी की इतनी सूक्ष्मतम माहिती और शिक्षा को पाने के लिए हमको एक टीचर या गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप भी ऐसे टीचर की खोज में हैं तो आप हमसे हमारे ऑनलाइन बांसुरी सेशन में जुड़ सकते हैं, जहां पे हम प्रत्येक तौर पे संगीत के अभ्यर्थियों के ऊपर 1-to-1 तरीके से समझाने की और सिखाने की कोशिश करते हैं। आप अपने नज़दीकी वृंदावन गुरुकुल में भी दाखिला ले सकते हैं। वृंदावन गुरुकुल पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी द्वारा स्थापित गुरुकुल है, जहाँ पे देश विदेश से लोग आके भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने और समझने के लिए अविरत प्रयास करते रहते हैं। आपको इन दोनों की चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप इसी तरीके से अपने जीवन में शास्त्रीय संगीत को, भारतीय संगीत को स्थान देते रहिए और अपने जीवन को और बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू। नमस्कार।